देख रही है UPN08 मुगावली से शंभू राठौर की रिपोर्ट। मुगावली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक सार्वजनिक वाचनालय मुगावली में संपन्न हुई, जिसमें दिल्ली से आए पर्यवेक्षक धीरज गाबा विधायक गुरजन सिंह ने कहा कि मुझे ज्यादा जनता ने मेहनत की है। इस मीटिंग में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र मोदी के नेतृत्व में सम्पन्न हुई मीटिंग में राजा राम सिंह व प्रतिभा गांधी दीपक पालीवाल बंटी कुलेले मौजूद रहे। कहीं पर मुजफ्फरनगर के मुस्लिम छोड़कर भाग रहे हैं तो कहीं हिंदू छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसा इस देश को बना दिया गया कि इस देश अराजकतावादी हो गया। जैसे पाकिस्तान इराक अफगानिस्तान का नाम पूरा करते जीना मुश्किल, तो आज भारत भी लगभग वैसा बनने के इंतजार पर है और बनने वाला। ये हालात इस सरकार ने 4 सालों में पैदा किया। किसी ने कहा था कि मुझे याद आ गई कि हवाएं नफरतों की कोई भाईचारे के दिन वापिस लौटा दो, ये अच्छे दिन जान ले लेंगे गरीबों की, ये अच्छे दिन जान ले लेंगे गरीबों की। अरे साहिब तो वही पुराने दिन वापस लौटा दो। अभी कहते थे काला धन, अब मोदी साहब तो दुनिया बुद्धि है, हिसाब किताब के मामले में तेज है। 600 लाख करोड़ का काला धन लाने की बात की थी, 200 लाख करोड़ की जीडीपी है और 15 लाख करोड़ की करेंसी से वो काला धन निकाल रहे थे। टोटल करेंसी कितनी लाख करोड़ की थी? 15 लाख करोड़। तो साहब कह रहे थे कि 15 लाख करोड़ में नोटबंदी करके मैं काला धन वापस ले आऊं, तो आप ये बताइए गणित लगा करके 15 लाख करोड़ की करेंसी को इकट्ठा करके 600 लाख करोड़ का काला धन आ सकता है देश में? और ऐसा काम कर दिया कि नदी का दोस्तों और भाइयों सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जूनियर शशि कपूर आ रहा हूँ आपके शहर गुना 23 तारीख को कौन बनेगा स्टार जश करने। मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बनाएं, क्या हकीकत प्यार के जिस दिन वो जालिम जान जाएगी और मेरा दावा है यारों हसीना मान जाएगी। लिखे जो खत तुझे